हेलो बच्चों, आज हम स्वर को जानेंगे। हिंदी में 13 स्वर होते हैं। स्वर हमें पढ़ने में मदद करती हैं। आइए हम इसे पहचानें। अ अ अ से अनार। अनार खाने से शरीर में खून बनता है। अ अ से अदरक। अदरक एक जड़ है। आ आ से आम। आम एक रसीला फल है जो गर्मियों में पाया जाता है। आ से आड़ू। आड़ू खट्टे मीठे होते हैं। मसाला है। इ से इमली। इमली खट्टी होती है। अब ई से इनाम। ई से ईंट। ईंट से घर बनाए जाते हैं। मौके पर दिए जाते हैं। उ से उल्लू। उल्लू एक पक्षी है जो रात को जागता है। उ से ऊन। ऊन से स्वेटर बनाए जाते हैं। उ से ऊंट। ऊंट रेगिस्तान का जानवर है और कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। ए ए से एड़ी। हमें अपनी एड़ी साफ रखनी चाहिए। ए से एकतारा। एकतारा एक संगीत वाद्य यंत्र है। आई आई से ऐनक। आई से एरावत। एरावत इंद्र भगवान की सवारी है। ओ ओ से ओखली। ओखली मसाले पीसने के काम आती है। ओ से ओम। ओम का जाप करने से मन में शांति आती है। ओ से औजार। औजार का इस्तेमाल चीजें बनाने के लिए होता है। ओ से औरत। अंग। अंग से अंगूठी। अंगूठी हाथों की उंगलियों में पहनते हैं। अंग से अंगूर। अंगूर खट्टे मीठे होते हैं और इनसे किशमिश बनती है। री री